2024 में किसी भी कीमत पर जो आज जो तानाशाह देश के ऊपर बैठकर देश के सारे उपक्रमों को बेच रहा है, देश के लोगों के साथ जो आज जिस तरह की वीडियोस पूरे देश से आ रही हैं, चाहे वो मणिपुर से आ रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आ रही हो, चाहे वो राजस्थान से आ रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रही हो, ये सारी वीडियो इस ओर इशारा करती है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश की महिलाओं का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के अछूतों का, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को मानवता का दर्जा नहीं है। शूद्र और अछूत को वहाँ कोई सम्मान और महिलाओं को कोई सम्मान की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति आएगी, अगर हम समाज को तैयार कर लें और ये एहसास करा दें कि संसद और विधानसभाओं में जाकर आपको समाज का सच्चा प्रतिनिधि अगर आप नहीं बनते हैं, अगर आप समाज की आवाज़ नहीं बनते हैं, तो हम आपके घरों के बाहर बैठ जाएंगे, आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। हमारी संख्या इतनी है, अपनी संख्या को अपनी ताकत बना लो। अगर 12% मुट्ठी भर लोग एकजुट होकर देश के हुक्मरान बन सकते हैं तो देश के अंदर जो बाकी का जो 85% है वो ये तय तो कर ले कि हम रिप्रेजेंटेशन सबको देंगे। ऐसा ना हो एक आदमी सफल, राजेंद्र गौतम सफल हो गया और उसने सफलता के बाद जो भी कुछ मिला अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को देना शुरू कर दिया, और जिन लोगों की वजह से सफलता मिली उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहीं से विफलता का रास्ता शुरू हो जाता है। हमें किताबें तो हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं। आप सोचो कि वो बुद्धा एंड इस धम्मा खरीद के पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष खरीद के पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पीड राइटिंग्स पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर रतन लाल का अम्बेडकर नामा पे ही सुन के कम ज्ञान अर्जित कर लेंगे, तो यकीन मानिए ये होने वाला नहीं है। बल्कि एक अच्छा तरीका ये है कि जितनी बात किताब को पढ़ने के लिए जो उसको कम से कम 2-3 महीने चाहिए जिस किताब को, जिसको वो कभी नहीं पढ़ेगा, खरीद भी ली तो कहेगा कि कल से पढ़ूंगा। और इंग्लिश में एक कहावत है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। वो किताब रखी रहेगी लेकिन कभी पढ़ेगा नहीं। आज अगर बीजेपी सत्ता में है, जिनका पूरा समाज 12% से कम है वो पूरे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे और आपके समाज के लोग हैं। क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए असली जो संगठन वो बीजेपी नहीं है, जो उनकी नीतियां बनाती है वो आरएसएस है, और लोगों में जो डर पैदा करती है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में जो रोड पे सड़कों पर हाथों में तलवारें लहराते हैं, जो लोग जिनका दंगों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको धार्मिक उत्पात मचाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कावड़ भेजने में इस्तेमाल किया जाता है, आप उनकी अगर सूची उठा के देखो, थोड़ा सा भी सर्वे करो, तो मरने वाला भी हमारा आदमी है और मारने वाला भी हमारा आदमी है, दिमाग कहीं और से चलता है। तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहूजी महाराज, माननीय कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस संविधान परिषद में आने के बाद अच्छा और बुरा दोनों अनुभव हो रहे हैं। बुरा अनुभव तो ये हो रहा है कि हम लोग कई कई दिन तक केवल 10 आदमी चुन ले तो कई कई दिन तक बोल सकते हैं, पर मुझे लगता है भाषण के साथ साथ अब काम ज्यादा करने की जरूरत है। भाषण भी जरूरी है लेकिन भाषण सुन के उसका क्रियान्वयन ना हो
तो उस भाषण का कोई फायदा नहीं है। हम लोग 85% सुनते और कहते आ रहे हैं और सच्चाई भी है, 85 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। क्योंकि भारत में ब्राह्मण 5.52%, क्षत्रिय 3.90%, वैश्य 1.30%, कायस्थ 1.07%, इन चारों को भी अगर जोड़ लें तो ये 12% से कुछ कम बैठता है। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जो जज हैं, देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर प्रोफेसर्स हैं, देश चलाने की योजना बनाने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीज हैं, सेना के बड़े पद अधिकारी हैं, पूरे देश का बिजनेस जिनके हाथ में है, देश के प्राकृतिक संसाधनों पे जिनका कब्जा है, वो तो सारा इस 12% से भी कम लोगों के हाथ में है। और हम लोग वर्षों से भाषण दे रहे और सुन रहे, सफल क्यों नहीं हो रहे? अगर उसके बारीकी से थोड़ी गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो मेरा यह मानना है कि हम लोग भावुकतावश कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं और सच से आंखें मीच लेते हैं। अगर कोई कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए और कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मीच ले तो क्या कबूतर की जान बचेगी? जान उड़ने से बचेगी, आंख मीचने से नहीं बचेगी। आप लोग सच्चाई से आंख बंद कर रहे हैं। सच्चाई यह कि यह लड़ाई शारीरिक ताकत की नहीं है, ये लड़ाई लाठी और गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और मुझे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ये लड़ाई विचारधारा की है। अभी जो डॉक्टर रतनलाल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस भाषण का पढ़ के बता रहे थे, मैंने कोशिश किया उस भाषण को मैं अपने अंदर उतार लूं और अपने आचरण में ले आऊं और एक सच्चा अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता बनने की तरफ अग्रसर हूं। और जब मैं उस दिशा में बढ़ा, एक सच्चा अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता बनने की दिशा में बढ़ा, तो सच में मुझे ये मंत्री और एमएलए एमपी की कुर्सी बहुत छोटी दिखने लगी। आज अगर बीजेपी सत्ता में है, जिनका पूरा समाज 12% से कम है, वो पूरे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे और आपके समाज के लोग हैं। क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए असली जो संगठन वो बीजेपी नहीं है, जो उनकी नीतियां बनाती है वो आरएसएस है। और लोगों में जो डर पैदा करती है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में जो रोड पे सड़कों पर हाथों में तलवारें लहराते हैं, जो लोग जिनका दंगों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको धार्मिक उत्पात मचाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कावड़ भेजने में इस्तेमाल किया जाता है, आप उनकी अगर सूची उठा के देखो, थोड़ा सा भी सर्वे करो, तो मरने वाला भी हमारा आदमी है और मारने वाला भी हमारा आदमी है। दिमाग कहीं और से चलता है, जो दिमाग चलाता है वो एसी रूम में बैठा है, जो दिमाग चलाता है वो मंदिर के चढ़ावे को इकट्ठा करने में मजबूर है, जो दिमाग चलाता है वो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर प्रोफेसर है, जो दिमाग चलाता है वो देश की सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठा है, जो दिमाग चलाता है वो इसी रूम में बैठकर योजना बनाकर हमारे भोले भाले बच्चों का इस्तेमाल करके उसको लागू करवाता है। लेकिन क्या हमने और आपने कभी सोचा
कि वो जो हमारे यूथ बच्चे उनके बजरंग दल विश्वहिंदू परिषद आरएसएस में जाते हैं, जो कथावाचकों के सुनने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जो कावड़ लेने जाते हैं, जो हर धार्मिक जुलूस में सामने खड़े दिखते हैं, जब आपके बच्चे वहां जा रहे होते हैं तो आप क्या अपने बच्चों को वहां जाने से रोकते हैं? इस्तेमाल तो हमारे और आपके बच्चों का हो रहा है। और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग घर से महाराष्ट्र थोड़ा अलग है, इसलिए वहां थोड़ा मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की बात करूंगा। तो पूरे देश के अंदर कहीं भी चले जाइए जहां समाज के हक अधिकार की लड़ाई पे चर्चा हो, समाज को जागरूक करने के ऊपर चर्चा हो, तो वहां आपको 95% से ज्यादा केवल पुरुष मिलेंगे। हमारे घर के पुरुष घर से निकलते हैं, सामाजिक संगठन के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, या तो भाषण दे रहे होते हैं या भाषण सुन रहे होते हैं, और हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई कथावाचक आता है या कोई वहां जागरण चल रहा है, माता की चौकी लग रही है, तो पड़ोस की महिला हमारे घर में आके हमारी पत्नी, हमारी बहन से, हमारी माँ से, हमारी बेटी से वो कहेगी कि वहां कथावाचक आया है, चलो सुनने चलते हैं। तो हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, वो घर के सारे बच्चों को लेकर वहां कथावाचक को सुनने जाती है। तो सांस्कृतिक विरासत किसकी फले फूलेगी? जिसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, तो उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको सुनने भी हमारे घर की सारी महिलाएं जा रही हैं, और वो महिलाओं में और बच्चों में संस्कार उनके डल रहे हैं, और हम लोग पुरुष लोग अपना भाषण दे दिया और सुन लिया और गंजा के सोच लिया है मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैं तो बाबा साहब का सिपाही हूं, थोड़े से दो चार नारे लगा लिए और सोचा जिम्मेदारी पूरी। तो मिशन मूवमेंट हमारा सफल नहीं होना, मिशन मूवमेंट उनका सफल होना, वो उनकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर है और हमारी बेवकूफी पर निर्भर है। गलती हमारी है कि हमने अपनी पूरी ताकत को उनके हाथ में सौंप दिया। अगर हम अपनी ताकत को एकजुट रखें, अपनी ताकत को उनके लिए इस्तेमाल ना होने दें, अपने युवाओं को कावड़ लेने ना जाने दें, अपने युवाओं को धार्मिक जुलूसों में ना जाने दें, अपने युवाओं को उनकी कथा सुनने ना जाने दें, अपनी पत्नी, बेटी, माँ, बहन और बच्चों को जागरण सुनने के लिए और कथा सुनने के लिए ना जाने दें, और अपने घर के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण मांग में वो जो पूरा राइटिंग एंड स्पीचेस उनका सेट खरीद के रख लें, हम अपने बच्चों के सामने ज्योतिबा फुले जी की लिखी गुलामगिरी पढ़ के सुनाए, रोज हर सप्ताह में कम से कम एक दिन एक पूरा पाठ पढ़ के सुना दें, बुद्धा एंड इज धम्मा का एक पाठ पढ़ के सुना दें, डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड इज मिशन उसको सुनाए, और अपने बच्चों को संस्कार में अपने महापुरुषों का जीवन संघर्ष पढ़ा दें, और उनको ये बता दें कि हम लोग क्या थे और क्या होंगे, उसका कारण क्या है, हमारे हिस्से में अमृत क्यों नहीं आया, जहर क्यों है। अगर ये बात हम अपने बच्चों को अपने घर में समझाने में कामयाब हो जाएं, और अपने ऐसे प्रोग्राम में पूरे दो दो दिन लगाने की बजाय 3-4 घंटे का सिर्फ एक बार एक दिन में प्रोग्राम करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जमीन पर उतर के अपने मोहल्लों में, बस्तियों में, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपना इस मिशन मूवमेंट को लोगों के बीच चर्चा करें, क्योंकि हर आदमी अंबेडकर भवन पे नहीं आता, जंतर मंतर पे नहीं आता, हमारा आदमी मजदूर है, सुबह निकल जाता है रोजी रोटी के लिए, शाम को घर आता है, तो हम अपनी बस्तियों में अगर शाम को 1-2 घंटा लगा दें, अपने गाँव में जाके वहाँ अपने लोगों को थोड़ा सा भी अपने मिशन मूवमेंट के बारे में समझा दें, और एक और यकीन मान लेना मेरी बात, किताबें तो हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, आप सोचो कि वो बुद्धा एंड इज धम्मा खरीद के पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष खरीद के पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पीड राइटिंग्स पढ़ लेंगे,
वो डॉक्टर रतन लाल का अम्बेडकर नामा पे ही सुन के कम से कम ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो यकीन मानिए ये होने वाला नहीं है। बल्कि एक अच्छा तरीका ये है कि जितनी बात किताब को पढ़ने के लिए जो उसको कम से कम 2-3 महीने चाहिए जिस किताब को, जिसको वो कभी नहीं पढ़ेगा, खरीद भी ली तो कहेगा कि कल से पढ़ूंगा। और इंग्लिश में एक कहावत है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। वो किताब रखी रहेगी लेकिन कभी पढ़ेगा नहीं। उसमें करना ये है कि मेरे जैसे लोग, रतनलाल जी जैसे लोग, या हम जैसे बाकी लोग, जिन लोगों ने खुद पढ़ लिया, वो लोग बस्तियों में जाकर, छोटी छोटी कॉलोनियों में जाकर कैडर के माध्यम से उसका एक ब्रीफ जिस्ट बनाकर, जिसको पूरी किताब का जो एक मजमून जो होता है, वो हम उसको 1 घंटे के अंदर अपने वाणी के माध्यम से कैडर देकर उसको समझा दें, और अपने जैसे लोग तैयार कर दें जो कैडर देने वाले बन जाएं, तो पूरे देश के अंदर अगर हमने 1,000, 2,000, 10,000 लोग तैयार कर दिए, तो ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 साल के अंदर 1-1 गांव तक, 1-1 बच्चे तक हम घुट्टी में मिलाकर अपना मिशन मूवमेंट बढ़ा देंगे। और जिस दिन हम अपने बच्चों को मिशन मूवमेंट पढ़ा देंगे, यकीन मानिए उसके बाद हमारे बच्चे आरएसएस के अंदर जाना बंद कर देंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर जाना बंद कर देंगे, उनके धार्मिक जुलूसों में जाना बंद कर देंगे, उनकी कथा सुनना बंद कर देंगे, कांवड़ लेने जाना बंद कर देंगे। उस दिन इनके मंदिरों में लाइनें लगना बंद हो जाएंगी। और ये जो मंदिरें हैं, ये मंदिर बेसिकली इंडस्ट्री बन गए हैं, ये इंडस्ट्रियाँ इनकी बंद हो जाएंगी। और जिस दिन इनकी ये दुकानें बंद हो गई, उस दिन आपका मिशन मूवमेंट चल निकलेगा, उस दिन आप हुक्मरान बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हमने तो सोच लिया कि हम अपना पूरा जीवन जब तक जिंदे हैं, तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, बुद्ध का धम्म और हमारे महापुरुषों की कुर्बानी और हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष, हम अपना पूरा जीवन अपने समाज के युवाओं को, अपनी बहन बेटियों को उसको सिखाने में, उसे पढ़ाने में, इसी में लगाएंगे, ताकि हमारे यूथ तैयार हो जाए। और जिस दिन हमारे यूथ तैयार हो गए, उसके बाद यकीन मानिए सूरत अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने जब कैडर देना शुरू किया, गांव गांव पहुंचे और छोटे छोटी सी संख्या के अंदर लोगों को जाके कैडर दिया, उसका परिणाम आया। उन्होंने जो हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, आज उसका परिणाम जो मर्जी हो, अगर परिणाम बुरा हुआ तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। हमारा नेतृत्व उस विचारधारा को छोड़कर दूसरी दिशा में चला गया तो नुकसान हुआ है। आप माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को या बाबा साहेब की विचारधारा को गलत नहीं कह सकते। उस विचारधारा को जानकर सीखकर हम हुक्मरान तो बन ही गए थे ना। अगर यूपी में बन गए थे तो बाकी जगह भी बन सकते हैं। लेकिन हमें अपनी विफलता के कारणों को समझना जरूरी है। जब पहले तो हम क्यों सफल हुए यूपी में, क्यों आरपीआई एक समय 17 या उससे ज़्यादा सांसद जीता पाई, तो उन सफलता के कारणों को पढ़ लो। और किस कारण से हम विफलता की तरफ चले गए, उन विफलता के कारणों को पढ़ लो। विफलता के कारणों को छोड़ दो, सफलता के कारणों को अपना लो, आपके जीवन में सफलता आएगी। ये एक सच्चाई है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग सांसद और विधायक बनते हैं, ये बाबा साहब को डर पहले ही था। उनको पता था जब 1932 में 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, उनको पता था कि ये जो समझौता हो रहा है, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरल को गंवा कर हमें जो मिलने जा रहा है, इसमें जो प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे वो समाज के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो गुलाम पैदा होंगे। और उस गुलामों ने पूरे समाज को डुबो दिया है। लेकिन अगर हम समाज को तैयार कर लें और ये एहसास करा दें कि संसद और विधानसभाओं में जाकर आपको समाज का सच्चा प्रतिनिधि अगर आप नहीं बनते हैं, अगर आप समाज की आवाज़ नहीं बनते हैं, तो हम आपके घरों के बाहर बैठ जाएंगे, आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। हमारी संख्या इतनी है, अपनी संख्या को अपनी ताकत बना लो। अगर 12% मुट्ठी भर लोग एकजुट होकर देश के हुक्मरान बन सकते हैं, तो देश के अंदर जो बाकी का जो 85% है, वो ये तय तो कर ले कि हम रिप्रेजेंटेशन सबको देंगे। ऐसा ना हो एक आदमी सफल, राजेंद्र गौतम सफल हो गया, और उसने सफलता के बाद जो भी कुछ मिला अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को देना शुरू कर दिया, और जिन लोगों की वजह से सफलता मिली
उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, यहीं से विफलता का रास्ता शुरू हो जाता है। हमें जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी वर्गों के नेतृत्व को हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी भागीदारी देनी पड़ेगी, और निश्चित तौर पर सफलता संभव है, असंभव काम नहीं है। सब लोग जब सांसद विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं या किसी भी बड़ी नौकरी में आते हैं, वो सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं और बनने के बाद संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमें आने वाले समय में न्यायालयों की भी, हमें नींद से न्यायालयों में बैठे जजों को भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि जज ने भी तो संविधान की शपथ ली थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके निर्णयों के अंदर जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों से जो निर्णय आते हैं, आजकल तो उनके निर्णयों में भी कई बार न्याय नजर नहीं आता। उनको भी नींद से जगाने की जरूरत पड़ेगी और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। इसलिए बहुत ज़्यादा संदेश यहाँ मैं अपने भाषण में रखने की बजाय, क्योंकि ज़मीन पर उतर के काम कर रहे हैं हम लोग, हम पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और गांव तक पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर अपने लोगों को जागरूक करें और अपने इस मिशन मूवमेंट में उनको कैटराइज करके इस लड़ाई को जीत में बदलें, और वो मुझे महत्वपूर्ण भी लगता है। इसलिए कई बार तो मन करता है कि यार भाषण ना दूं या छोटा कर दूं, मजबूरी है देना है तो चलो छोटा कर दो, असली काम तो गांव-गांव में जाकर होगा। वही काम हमने चुन लिया है और मुझे लगता है हमें सफलता मिलने वाली है, सफलता नज़दीक आ रही है। पहले तो 2024 में ये सोचिए, छोड़ दो कि मैं ही बनूं, फिलहाल तो ये करो कि 2024 में किसी भी कीमत पर जो आज जो तानाशाह देश के ऊपर बैठकर देश के सारे उपक्रमों को बेच रहा है, देश के लोगों के साथ जो आज जिस तरह की वीडियोस पूरे देश से आ रही हैं, चाहे वो मणिपुर से आ रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आ रही हो, चाहे वो राजस्थान से आ रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रही हो, ये सारी वीडियो इस ओर इशारा करती हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश की महिलाओं का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के अछूतों का, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को मानवता का दर्जा नहीं है। शूद्र और अछूत को वहाँ कोई सम्मान और महिलाओं को कोई सम्मान की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति आएगी, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान खत्म होगा और मनुस्मृति में आपकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर होने वाली है, उसकी तस्वीरें तो आजकल वीडियो के माध्यम से मणिपुर जैसी घटना, उत्तर प्रदेश जैसी, राजस्थान जैसी, मध्य प्रदेश जैसी, गुजरात जैसी, इतनी सारी वीडियो सामने हैं। आए दिन रोज इस तरह की वीडियो आती हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं कि अगर अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट तो काफ़ी हद तक कर ही दिया है। जैसा उन्होंने कल जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाली जगह पर जो उद्घाटन किया, उसमें भी उन्होंने साधुओं पुजारियों को बुला के पूजा करवाई है। जब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सेकुलर है, भारत का प्रधानमंत्री का अपना धर्म नहीं होना चाहिए, उनका धर्म देश का संविधान होना चाहिए, लेकिन जब संसद का उद्घाटन हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाली जो बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन हो, अगर सब जगह उद्घाटनों में तो वो ब्राह्मण को बुला के पूरे संस्कार कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काफ़ी हद तक वो जा चुके हैं। और कारण ये है कि न्यायालय चुप हैं और सड़कें सूनी हैं, जिन सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन की बजाय आजकल लोग फेसबुक ट्विटर से ही सोच रहे चलेगा आंदोलन, ऐसे नहीं चलेगा। हमें लड़ना होगा न्याय के लिए, विचारधारा के साथ, लाठी गोली और हथियार के से नहीं, विचारधारा से, बुद्धि और विवेक से इस लड़ाई को लड़ा भी जाएगा और इस लड़ाई को जीता भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।